सेवा समाप्त के विरोध में तृतीय वर्ग शासकीय कर्मचारी संघ ने मोर्चा खोल दिया है। साथ ही सीएमएचओ की कार्रवाई का विरोध करते हुए संघ का कहना है कि 128 पदों के लिए भर्ती हुई थी, उसमें सिर्फ 10 कर्मचारी की भर्ती गलत कैसे हो सकती है। अगर भर्ती गलत है तो पहले उस अधिकारी पर कार्रवाई करना चाहिए जिसने गलत तरीके से भर्ती किया है। साथ ही आरोप लगा कि जिस समिति की रिपोर्ट के हवाले से सेवा समाप्त की गई है उसकी कॉपी भी नहीं दी गई है। पीड़ित कर्मचारियों ने बताया कि 48 घंटे के अंदर कोर्ट की शरण में जाएंगे। इन्होंने विज्ञापन निकाला दूसरे पद का और नियुक्ति होने के बाद उसको दूसरे पद में ट्रांसफर कर दिया इन लोगों को। अब बोलते हैं कि जो ट्रांसफर हुआ है गलत हुआ, उसके लिए आप दोषी। हमारी मांग है कि जो 10 संविदा कर्मचारी हैं जो 14-18 महीने से वहाँ काम कर चुके हैं उनको नियमित किया जाए, कंटिन्यू रखा जाए, और यदि नियुक्ति में कोई गड़बड़ी है तो उसके लिए जो दोषी अधिकारी है उसको निलंबित किया। और प्रदेश सरकार द्वारा